हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत सारी जॉब्स में लगभग 1 लाख के करीब तो जॉब्स आप लोगों को ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर मैं दिखा चुका हूँ। आगे भी ये जो यात्रा है, जर्नी है, ये कंटिन्यू है आप लोगों के लिए। डिफरेंट वैकेंसीज, जो फ्रेश वैकेंसीज़ होती हैं, मैं दिखाता रहता हूँ। लेकिन अभी मेरे पास दो तरह की क्वेरीज आई हैं। एक तो आपकी तरफ से फ़ोन आते हैं बहुत सारे दोस्तों के कि सर कितनी सैलरी होगी। वो तो ठीक है, लेकिन आपको स्कूल की तरफ से भी काफ़ी क्वेरीज आती हैं मेरे पास। लेकिन एक बहुत कॉमन चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपकी हेल्प ही होगी, आपको फ़ायदा ही होगा। वो है, मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया था, आपका रिज्यूम। आपके मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे भी रिज्यूम भेजे हैं और मैं उनका रिज्यूम देखता हूं, तो उसके कारण भी आप रिजेक्ट हो जाते हो। सबसे पहला रिजेक्शन आपका बायोडाटा है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं। बायोडाटा में बहुत सारे जो बायोडाटा होते हैं, रिज्यूम होते हैं, कई लोगों ने फ़ोटो ही नहीं लगाया है। मैंने कई बार लिखा कि फ़ोटोग्राफ सर, आपको फ़ोटोग्राफ क्यों चाहिए? जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले फॉर्म पर फ़ोटो लगाया होता है और आपको डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि अगर एक भी चीज़ कम हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तब आपको वहाँ पे ध्यान रहता है कि क्या क्या चीज़ें लगानी है। दूसरी चीज़, अच्छा ये इसलिए आपने फ़ोटो ज़रूर लगाना है उस पर। अब वो आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है, आप अप्लाई कर रहे हो कहीं पे। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया शुरू हो गया, कितने फ़ोटो वहाँ डालते रहते हैं। लेकिन कहीं पर अगर आप अप्लाई कर रहे हो अपने लिए, तो वहाँ पर अगर आप अपने अगर आप वहाँ पे अपने लिए ये क्वेश्चन करते हो, तो पहली बात तो वहीं पे ही आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया, समझ लीजिए। क्योंकि कोई आपको इसकी जस्टिफिकेशन नहीं देगा। अगर हम अप्लाई करते हैं कहीं पे भी, कोई फॉर्म भरते हैं, तो उसमें कॉलम होता है फोटोग्राफ का। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने नीचे लिखा होता है कि आपका एक्सपीरियंस। तो बहुत सारे दोस्तों ने लिखा होता है उसमें कि वर्क एज TGT, इस ईयर से इस ईयर TGT, इस ईयर से इस ईयर। मैंने ऐसे पढ़ा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, आपको बता दूं, वो गलत तरीका है। TGT साइंस हो, मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो, किस में, मतलब मैथ, साइंस, आर्ट्स, किस में TGT, किस सब्जेक्ट में TGT हो आप, वो जरूर लिखो। TGT कौन से सब्जेक्ट में आपने काम किया वहाँ पे? TGT मैथ्स काम किया, TGT साइंस काम किया, TGT सोशल स्टडी काम किया, किस में TGT? तो अभी कभी अपना रिज्यूम जरूर देख लीजिएगा एक बार ओपन करके। तो पहले फ़ोटोग्राफ की बात करी और दूसरा जो आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है उस पर आप मेंशन कीजिए कौन सा सब्जेक्ट। तीसरी बात, मैंने बहुत सारे दोस्तों के देखे कि अब क्वालिफिकेशन पे आती है बात। सबने लिखा होता है MA इन आर्ट्स। अब आर्ट्स में MA का मतलब वो पोस्ट ग्रेजुएशन में आप की हुई है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, आर्ट्स में नहीं की है आपने, की हिंदी में MA की है, हिस्ट्री में की है, ज्योग्राफी में की है। आप बहुत सारे CV पे लिखा होता MA आर्ट्स, दैट इज़ रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। और बहुत सारे दोस्तों ने लिखा होता है MSc, उसमें मतलब सबको नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं उन दोस्तों को कह रहा हूँ जिनका CV पूरा नहीं है, अपना CV रीचेक कर लें। MSc लिखा ही नहीं है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी में है। बहुत सारे दोस्तों का CV मैंने इस तरह से भी चेक किया, ठीक है। लिखा होता है BSc नॉन मेडिकल की है कि मेडिकल की होती है, वैसे एग्रीकल्चर में भी होती है, वो भी तो मेंशन करो आप। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बायोडाटा ही सबसे पहला पड़ाव होता है, वेरी फर्स्ट स्टेप पे। अगर आपकी सिलेक्शन का जरिया पहली जो CD होती है वो होती है बायोडाटा भेजते हो आप, वही पढ़ करके पता चल जाता है कि देखो जब बायोडाटा ही इनका इतना बढ़िया मतलब है, मतलब इसमें इतनी गलतियां हैं, तो हम आपको कॉल नहीं आएगी। दूसरा स्टेप बात की बात है कि आपका पर्सनल इंटरव्यू, उस पर वीडियो मैं दोबारा से बनाऊंगा, पहले वीडियो उस पर भी बना चुका हूँ कि अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका इंटरव्यू कैसा होता है और आपकी कुछ कमियाँ हमारे अंदर होती हैं उसे भरने की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं अभी आज रिज्यूम पर बात कर रहा हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने एक दोस्त ने मुझे बोला, मैंने उनका CV पढ़ा और एक स्कूल में भेजा, उन्होंने बोला, इनका इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने बोला कि इनकी तो खुद की इंग्लिश खराब है, गलत है। मैंने पूछा कैसे? बोलते CV पे इन्होंने ऑब्जेक्टिव में
जो लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव लिखा होता है ना टॉप पे कि क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, तो उसमें बहुत गलतियाँ थी, मैंने खुद पढ़ा। तो मैंने उनको फ़ोन किया जब, तो बोले कि सर ये तो ऑलरेडी कंप्यूटर ऑपरेटर से, मतलब मैंने दुकान में जाके बनवाया था, उनकी गलती है। तो उन्होंने बाद में उस चीज़ को बड़े आराम से, जब मैंने समझाया कि भाई गलती उनकी है, लेकिन उन्होंने उस गलती ने आपका आगे करियर ख़राब कर देना है, कम से कम जो एक कागज़ का एक पेज जो है उसमें इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं आपकी, वो पूंजी है, उसको आप प्रेजेंट करने जा रहे हो कि मैं क्या हूँ, उस पर गलतियाँ चेक कर लीजिए प्लीज़। फिर उन्होंने उसको ठीक किया। तो आप लोगों को ये मैसेज कॉमनली मैं यूट्यूब चैनल के ज़रिए देना चाहता था, अपना बायोडाटा बनवाइए चाहे किसी से भी, चेक आप कीजिए, उसके बाद पोस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।